आज ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। हमारे महिला टीम जो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 खेलने जा रहे हैं, उसको हौसला बढ़ाने के लिए हम आए हैं। हम अभी दिल्ली से आए हैं। हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी का और उनके टीम का इनविटेशन था, तो हम अपने भारत के महिला टीम जो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने जा रही हैं, उनको समर्थन देना, चेयर अप करना और देशवासियों के ओर से उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब तक खुद स्टेडियम में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं होता है, इसलिए हम खुद यहाँ भुवनेश्वर आए हैं। आज भुवनेश्वर में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का उद्घाटन भी है और हम लोग सब यहाँ उद्घाटन समारोह में शरीक भी होंगे और खेल को भी देखेंगे और ख़ास करके हमारे अंडर 17 वुमेन टीम को चीयर करने के लिए आए हैं। और कई हस्तियों ने भी सपोर्ट किया है इस मूवमेंट में और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत के लिए, उड़ीसा के लिए और भुवनेश्वर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि आज अंडर 17 जो महिला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के आज यहाँ पर जो महिला फुटबॉल का शुरुआत होने जा रहा है, मैं सोचता हूँ ये एक ऐतिहासिक दिन तो है ही और भविष्य प्रजन्म की जो फुटबॉल के लिए, भारत की फुटबॉल के लिए एक माइलस्टोन भी होगा और आज का दिन इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। और मैं सोचता हूँ केवल देश के लिए, सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि उड़ीसा और भुवनेश्वर वासियों के लिए भी बहुत ही आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनरे कोह ओ क्रोध कहाकु पचारिबे प्रश्न, किए देबो उत्तर, आपणक प्रश्नर बेसालिस मंच, प्रश्नकाल सोमवार शुक्रवार राति 8:30। जय जगन्नाथ। चकाखी सबु देखुछ, आमे लड़ीबु साधारण ओडियांक न्यायर लड़ी, किए भी आमर गुआ दिया बंधु नुहंती, किए भी पार्टी रे तुंडी दे बसु, किंतु आमे कहिबु रोक ठोक।